हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत सीरियस होने वाला है। जो हाल ही में यूट्यूब ने जो डिसीजन लिया है 4000 आवर्स वॉच टाइम इन वन ईयर एंड 1000 सब्सक्राइबर देन ओनली योर मोनेटाइजेशन विल बी एनेबल, ये तो उसके ऊपर ये आज का वीडियो बनेगा। तो अब मैं बताऊँगा आपको कि कैसे आपको ये 4000 आवर्स का जो टाइम है वो कैसे कवर करना है और कैसे आप ये जो नए डिसीजन में भी सस्टेन कर पाओगे। हे व्यूअर्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाकर पाइए हेटरोजीनियस के सारे अपडेट्स। तो ये जो डिसीजन लिया है वो क्यों लिया गया है वो पहले मैं बताता हूँ आपको। तो ये डिसीजन इसलिए लिया है ताकि जो क्रिएटर्स नहीं है पर खुद को क्रिएटर्स समझते हैं और जो फेक वीडियोस डालते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की जो आए हुए वीडियोस वही रीअपलोड कर देते हैं, वो वायरल में आ जाते हैं, या फिर जो सुपरस्टिशंस है उनके ऊपर जो वीडियो आते हैं वो ट्रेंडिंग में आने लगे आजकल। तो वो सब गंदगी इंडियन यूट्यूब पे ये सब ट्रेंडिंग में जा रहा है आजकल। तो वो सब कंटेंट हटा देना चाहते हैं। जो प्योर कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए ये डिसीजन बहुत अच्छा हुआ है। तो जो प्योर और सच्चे क्रिएटर्स हैं उनके लिए ही अभी यूट्यूब बचेगा। तो जो अच्छा हुआ कि ये लोग ट्वीट कर देंगे क्योंकि इतना वॉच टाइम लाना इजी आसान बात नहीं है। तो ये वॉच टाइम लाना सच में आसान बात नहीं है। ये जो नया डिसीजन लिया है डीमोटिवेट मत होती है। जैसे कि अभी कुछ 500 सब्सक्राइबर 300 सब्सक्राइबर का चैनल है, वो लोग डीमोटिवेट होकर चैनल ट्वीट कर देंगे। तो ट्वीट नहीं करिए। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका पैशन है यूट्यूब तो आप वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपलोड करते जाओ, आपका सक्सेस जरूर आएगा। जो छोटे क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए, जो छोटे क्रिएटर मतलब जिनके सब्सक्राइबर 1000 से नीचे है या फिर इतना वॉच टाइम उनका नहीं आ पा रहा है, तो उनके लिए मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आप 5 मिनट की एक कोई वीडियो बना दो, समझ लो उसके ऊपर 50,000 व्यूज आ जाते हैं। तो 50,000 व्यूज आ जाते हैं तो आपके थोड़ा आराम से पार हो जाता है। पर अभी आप ये सोचोगे कि मैं नया यूट्यूबर हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के 100 व्यूज भी नहीं आते हैं, 50,000 कहाँ से आएंगे। तो उस टाइम आपको करना ये है कि जो 5 मिनट का वीडियो है वैसे आप 10 वीडियोस बनाओ। भले आपकी 5 मिनट के वीडियो में 10 वीडियोस बनाओगे तो अगर वो 10,000 लोगों ने देख लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। ये हुआ नए यूट्यूबर्स के लिए। जो करंट यूट्यूबर्स है और उनके वॉच टाइम कम है तो आप क्या कीजिए, आपका जो कंटेंट है उसमें थोड़ा इंस्पिरेशन लाइए। आप जो बोलते हैं वो लोगों को सुनने में उसका मज़ा आया, आप लोग आपकी वीडियो स्किप ना करें तो उससे आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा। आपको वही करना है उसके लिए। और नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगा, आप जाओ रिएक्शन दो किसी भी फेमस वीडियो से। तो रिएक्शन चैनल भी बहुत चल रहे हैं। अगर आपका टेक्निकल चैनल है तो आप टेक्निक शुरू कर दीजिए। देखिए ना यूट्यूब पे इंटरनेट पे जाओ और टेक्निकल न्यूज सर्च करो, कितने सारे न्यूज़ आते हैं उनको लिख के पूरा उनका डिटेल निकालो और जो राइट इन्फॉर्मेशन है वही कन्वे करो लोगों के साथ। तो आपको टेक न्यूज से भी व्यूज आएंगे अच्छे खासे। या फिर कोई मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है, अगर आप रिव्यूअर हो तो मोबाइल फ़ोन को तुरंत जो लॉन्च हुआ है उसका रिव्यू और स्पेसिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन दे दो। कोई जैसे कि अभी जियो का जो टॉपिक था वो बहुत चैनल उसके ऊपर उठे हैं। अभी जो ये जो ट्रेंडिंग सेक्शन है आप देखते हो तो अलग अलग नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, तो उसके ऊपर आप वीडियो जरूर बनाएंगे लोग। रही बात और अभी करो क्या, देखो ये जो मैं टिप दे रहा हूँ आप देखो, चैनल पे ज़्यादा वीडियोस डालो कम टाइम के ताकि लोग आपकी वीडियोस पूरी देखें और आपको वॉच टाइम बढ़े। ज़्यादा वीडियोस फॉर एग्जाम्पल आप वीक में अगर पहले 2 वीडियोस डाले थे तो वीक में 4 डालो 6 डालो, जैसे आपको पॉसिबल होता है उतना वीडियो डालते रहो। और अगर आप आपका कोई भी चैनल हो, समझ लो आप एक व्लॉगिंग चैनल है तो आप अपने डेली व्लॉग्स अगर आप वीकली डालते हो तो वीकली मत डालो, उनकी लेंथ कम कर दो। डेली व्लॉग डालना चालू करो, 5-5 मिनट का डेली जो आपका होता है वो डालो। रही बात कॉमेडी वालों की, तो उनके लिए कोई कुछ कम नहीं है। कॉमेडी आप अगर लोगों को हंसाओगे आपकी वीडियोज लोग पूरे देखेंगे। कॉमेडी एक ही ऐसा चैनल है जिसको फुल वॉच टाइम 100% रहता है। कॉमेडी की स्टोरी रहती है सारी, लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं। पर ये जो टेक्निकल चैनल्स रहते हैं उनकी लोग वीडियो स्किप कर देते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन सुनने में लोगों को
मजा नहीं आता है जितना कॉमेडी देखने में या प्रैंक चैनल देखने में लोगों को मजा आता है। डेली व्लॉग्स जो व्लॉगिंग चैनल है वो लोग क्या करो, वीकली अपलोड करने से डेली व्लॉग करो, डेली 5 मिनट की वीडियो अपलोड करो, आपका वॉच टाइम और ऐसे ही बढ़ जाएगा। और पैसे के लिए आप कर रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर किसी का पैशन है और पैसे की अर्निंग चलो मान लो ना, समझ लो अगर आपका मोनेटाइजेशन लेवल हो भी जाता है तो आप YouTube से इतना पैसा नहीं कमा पाते हो। YouTube को एज अ बिजनेस या फिर एज अ पैसे के लिए मत देखो, YouTube एक पैशन के लिए देखो। आप एक कंटेंट लोगों को शेयर करते हो, अपनी कम्युनिटी ग्रो करते हो, इस एंगल से YouTube को देखो। पैसे तो आपको बहुत कम मिलेंगे, समझ लो आपके चैनल पे 10,000 1 लाख 2 लाख मिल जाएंगे तो भी आप 100-200 डॉलर का जो रहता है वो भी क्रैक नहीं कर पाते हो। तो यूट्यूब की कॉस्ट अर्निंग कुछ नहीं होती है, 6,000 इंडियन रुपीज 100 डॉलर। तो अब अर्निंग पैसे के लिए वैसा मत देखो, आप यूट्यूब को पॉजिटिवली लो। और कोई किसी का वीडियो अगर किसी टॉपिक बना हुआ है तो ये मत सोचो कि अरे उसका बन चुका है मेरा कब बनेगा, उसका बन चुका है उसने जो कुछ आइडिया उसकी छूट गई है वो आप अपने में इम्प्रूव करके डालो। कंटेंट आप अगर किसी का लेते हो, वीडियो अगर कॉपी करते हो तो कॉपीराइट क्लेम आता है। किसी की आइडिया जो होती है वो आइडिया उठा के अगर सेम आइडिया का थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप डालते हो तो कॉपीराइट नहीं होता है। और कुछ यूनिक बनाओ, जरा हटके बनाओ, जरा हटके लोग देख सके। आप क्वालिटी कंटेंट दिया करो, आपके कंटेंट के लिए लोग आपके चैनल पर विजिट करना चाहिए, ऐसा सोचो। ये ना कि क्लिकबेट करके आप व्यूज पाए, वो सब गलत बात मत करो। आप अपने चैनल पे कंटेंट ग्रो कीजिए। अभी कंटेंट ग्रो कैसे करने का, बिल्कुल तो आप क्या करो, ट्रेंडिंग सेक्शन में जाओ। ट्रेंडिंग सेक्शन में आपके चैनल से रिलेटेड कोई टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक की वीडियो को पूरा देखो, उस वीडियो में कुछ इम्प्रूवाइजेशन हो सके तो वो खुद करो और उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो आप बना दो और वैसे की वैसे पूरा अपना जो भी है वो अपलोड कर दो। उससे क्या होगा, सेम टॉपिक ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है, आप भी उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो आपकी वीडियो भी सजेशन में आपके आपको व्यूज मिलते रहेंगे। तो सजेशन में आपकी ही व्यूज बढ़ेगी, कैरिंग से व्यूज इतने नहीं आते, अपने दोस्त लोगों को कितना शेयर होंगे। तो ये 50,000-60,000 व्यूज इतने इजीली नहीं आएंगे आपको, सजेशन में आने के लिए आपको ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाना है। आपका जो कंटेंट है उसमें उससे कुछ तो यूनिक नहीं खिलाओ, जरा हटके बनाओ उस पर वीडियो ताकि लोगों को देखने में मनपसंद मतलब लोगों को पसंद आ गए। और फिर अगर एक बार आपको पता ही है, अगर किसी को एक वीडियो अभी वायरल हो जाती है तो चैनल अपने आप ग्रो होना चालू हो जाता है। तो वायरल वीडियो की अपने को जरूरत है, तो वीडियो लंबी बड़ी और इंटरेस्टिंग बनाओ। ऐसे नहीं कि वीडियो चालू हो गई और फिर 2 मिनट के बाद लोग स्किप कर दें। वीडियो इंटरेस्टिंग बनाओ, टॉपिक लाओ नए करना है। और जैसे कि आपको पता है अगर आपका वीडियोस लोगों को लाइक आने लगे तो आपको अपने आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, भाई ये बंदा जेन्यून है, आपको आगे से अच्छे से कंटेंट देगा तो अपने आप को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। तो आप यूट्यूब पे अच्छे से सस्टेन कर पाओगे। अगर आपके कंटेंट में दम है, आप जो बोलते हो लोगों को अच्छा लगता है तो आपकी सब्सक्राइबर तो गेन होगी। अगर समझ लो कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसके 1-2 लाख व्यूज हो गए और 1,000 सब्सक्राइबर के भी नीचे नहीं है, अगर वो जेन्यून यूट्यूबर है तो ये सब आपको चीज़ें करनी है। जितना आप ज़्यादा एफर्ट दे सके उतना दो, ये जो 1 महीना है वही आपके पास चांस है अपने चैनल को बचाने का। तो बस मैं भी यही ट्राई कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे सस्टेन रहे, अगर आप रियल यूट्यूबर या फिर जेन्यून यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर हो तो। थैंक यू, यही बोल के मैं अपना वीडियो यहीं पे रुका देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताकि आपको पता ही है अभी 1,000 सब्सक्राइबर 12 महीने में चाहिए है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई कंटेंट क्रिएटर है उनको कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं।